स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिम्बायोसिस एसईटी 2023 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसईटी का फुल फॉर्म बता दूं, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट एसईटी का फुल फॉर्म है। अब गाइस ये एक यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया था सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के थ्रू साल में एक बार। एसईटी के साथ साथ यहाँ पे सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी और भी कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, स्लेट एसआईटी ट्रिपल ई एसईईटी इस तरह के वेरियस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन कोर्सेस लाइक लॉ इंजीनियरिंग डिजाइन एक्सेट्रा। तो गाइस अगर आप लोगों को यहाँ पे अभी एडमिशन चाहिए सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में तो उसके क्या प्रोसेस आई है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात कीजिए डेट्स की तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जनवरी में स्टार्ट किया जाता है, आप लोगों का एग्जाम जून में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और जो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट्स अनाउंस नहीं किए, इसलिए यहाँ पे जो है ऑफिशियल अथॉरिटी डेट्स अनाउंस करेगी, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, उसमें मैं आप लोगों को जो है हर एक इवेंट लाइव परफॉर्म कर हर एक इवेंट की डेट्स जो है लाइव आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट बात कीजिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म की, सो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब आप कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स अगर आप एंटर करते हैं तो आप लोगों का एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, मे बी आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो। क्या करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो वो भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे क्या है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्शन क्यों फेस करता है। तो गाइस सबसे मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट किस तरह से स्कैन करके प्रिस्क्राइब साइज फॉर्मेट अपलोड करना है, कुछ नहीं पता तो जस्ट किसी भी तरह एप्लीकेशन फिल करते एंड सबमिट करने की कोशिश करते और यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाते। आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी गाइस फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताई जाएगी, तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। बात कीजिए एप्लीकेशन फी की, तो गाइस यहाँ पे एसईटी जनरल स्लेट और एसआईटी ट्रिपल ई कैंडिडेट्स के लिए 1950 रुपीज एप्लीकेशन फी है, बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है दूसरे सारे कोर्सेज के लिए उसके लिए 1000 रुपीज से आप डायरेक्टली फी डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन मोड में भी पे कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो गाइस आप यहाँ पे 12 पास आउट रहने चाहिए विद मिनिमम 45% रिजर्व कास्ट के लिए 40%, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पे रहना चाहिए, अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात कीजिए एग्जाम पैटर्न की, सो गाइस आप लोग एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 2 hours 30 minutes का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे पेपर कंप्लीट करने के लिए, हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, एसआईटी ट्रिपल ई में आपको हर एक सही आंसर के लिए 2 मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। बात की जाए यहाँ पे मार्किंग स्कीम की, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। फिर गाइस अब आता है आप लोगों का सिलेबस, तो सिलेबस का गाइस ये इशू है कि आप लोगों का जो सिलेबस है काफी ज्यादा वास्ट है, तो डिटेल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोगों को जो सिलेबस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है वहां पे क्लिक करके वहां से आप कंप्लीट सिलेबस डायरेक्टली जो एक्सेस कर सकते हैं। बात करेंगे गाइस यहाँ पे एडमिट कार्ड की, तो आपका एडमिट कार्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड नहीं किए तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और वो डाउनलोड नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है कि किस लिंक के थ्रू डाउनलोड करना एडमिट कार्ड वो नहीं पता होता। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया जाएगा फ्रॉम स्टार्ट बेसिक, यानी कि कहाँ से लिंक मिलेगी से लेकर पूरा एडमिट कंप्लीट डाउनलोड करके बताया जाएगा, सेम एज इट फॉर आंसर की रिजल्ट काउंसलिंग हर एक इवेंट आप लोगों को लाइव परफॉर्म करके बताया जाएगा। सो गाइस नाउ आई होप आप लोगों को सिम्बायोसिस एसईटी 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, इनकेस कोई डाउट है कोई भी हेल्प चाहिए आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।